फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रोहित कौशल और मैं आज आपको बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा कि किडनी स्टोन्स क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं और इसके ट्रीटमेंट क्या है और कब आप अपने यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर मिले। तो पहले, जैसे हमें पता है कि हमारे शरीर में दो किडनियाँ होती हैं, एक दाहिने में जिसको हम राइट किडनी बोलते हैं और एक किडनी जो लेफ्ट में होती है। तो किडनी स्टोन्स कैसे बनते हैं, इसके लिए तो बहुत सारे थ्योरीज है, बट आम तौर पे किडनी स्टोन जो भी होते हैं हमारे, ये पेशाब के रास्ते में जहाँ किडनी से पेशाब छन के निकलता है बस वहीं पर ही बनते हैं और ये बनकर वहीं पर ही बड़े होते हैं और फिर या तो ये नीचे गिर आते हैं हमारे नली के द्वारा पेशाब में पाए जाते हैं या तो फिर वहीं पर ये बड़े होकर आपको दिक्कत देते हैं, दर्द देते हैं या बुखार और सारी चीजें होती हैं। तो किडनी स्टोन्स के बारे में सबसे पहले जानना जरूरी होता है हमें ये रिपोर्ट देकर अल्ट्रासाउंड पे कि स्टोन्स के साइज क्या है। साइज बहुत ही जरूरी है स्टोन्स के, क्योंकि छोटे स्टोन्स के लिए कोई आमतौर पे ट्रीटमेंट जरूरत नहीं पड़ती है। जो स्टोन्स 5 मिलीमीटर से नीचे होते हैं उनके लिए आमतौर पे कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अगर कोई छोटा स्टोन यहाँ बन भी गया 5 मिलीमीटर का, आपके अल्ट्रासाउंड पे वो आ गया, तो भी घबराने वाली बात नहीं है तब तक जब तक कि वो छोटा है और आपको कोई दिक्कत नहीं दे रहा हो या किडनी में कोई सूजन नहीं आ रहा हो, क्योंकि वो अपने आप पानी पीकर आमतौर पे अपने आप पानी पीकर और पेशाब के रास्ते से पार हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं देता है। पर जो स्टोन्स 5 मिलीमीटर से बड़े और 1 सेंटीमीटर से छोटे होते हैं उनको ट्रीटमेंट का जरूरत पड़ता है आमतौर पर। तो 5 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर के बीच के साइज वाले जो स्टोन होते हैं उनके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन, आज के डेट में 2-3 ट्रीटमेंट ऑप्शन है। पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन है RIRS। RIRS का फुल फॉर्म होता है रेट्रोग्रेड इंट्रारेनल सर्जरी। इस विधि में हम पेशाब के द्वारा एक लचकीला दूरबीन से जाकर स्टोन को लेजर से ब्रेक करते हैं और फिर उसको चूरा बना के छोड़ देते हैं। जो बड़े वाले कंकड़ होते हैं उसको हम पकड़ के ले आते हैं बास्केट से, जो छोटे छोटे बिल्कुल तिनके बन जाते हैं उसको हम वहीं छोड़ देते हैं। ऑपरेशन के बाद एक स्टेंट डाल के छोड़ा जाता है अंदर में, जो कि करीबन 1 से 2 हफ्ते तक आपके अंदर ही पड़ा रहता है, जो कि किडनी से लेकर पेशाब की थैली के बीच में होता है। तो जो छोटे कंकड़ बनते भी है वो आमतौर से इसके बगल से पास होकर पेशाब के रास्ते निकल आते हैं। दूसरा विधि जो है 5 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर के बीच के स्टोन वाले साइजों के लिए, वो है लिथोट्रिप्सी। इसमें हम बाहर से पेशेंट को शॉक वेव्स देते हैं, साउंड वेव्स के शॉक वेव्स देते हैं, जिससे कि स्टोन ब्रेक हो जाता है। अगर ये बड़ा स्टोन है तो इसके छोटे छोटे तिनके बन जाते हैं और वो तिनके धीरे धीरे करके पेशाब के रास्ते निकल जाते हैं 1-2 हफ्ते में। तो ये हमने बताया 5 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर के स्टोन्स के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है। पहला है RIRS, दूसरा ऑप्शन है लिथोट्रिप्सी। अब जो स्टोन्स 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच के होते हैं उनके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास वैसे ही लिथोट्रिप्सी है, जिसमें कि हम बाहर से शॉक वेव से स्टोन को तोड़ते हैं और फिर वो निकल आते हैं पेशाब के रास्ते। दूसरा ऑप्शन होता है PCNL। PCNL यानी कि पीछे से हम एक छोटा सा छेद करते हैं 5 मिलीमीटर करीबन और उस छेद के द्वारा हम अंदर दूरबीन डालकर किडनी के अंदर से स्टोन को लेजर से तोड़ते हैं और फिर स्टोन को वहीं के वहीं निकाल देते हैं, बाद में निकलने के लिए नहीं छोड़ते हैं। सब स्टोन हम वहीं पर निकाल देते हैं और निकालने के बाद जैसे हमने और बताया था RIRS में, वैसे ही हम यहाँ स्टेंट डालकर छोड़ देते हैं, जो कि स्टेंट फिर आपको करीबन 1-2 हफ्ते बाद आकर निकलवाना पड़ता है हॉस्पिटल में। तो ये होता है PCNL। जो स्टोन्स 2 सेंटीमीटर से बड़े होते हैं उनके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन बेस्ट होता है PCNL, जिसमें से कि हम पीछे से छेद करके, किडनी के पीछे से छेद करके हम उसमें से स्टोन तोड़कर निकाल लेते हैं। तो ये हो गया किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट। इनसे बड़े जो स्टोन्स होते हैं बहुत ही रेयरली उनमें ओपन सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की जरूरत पड़ती है। आमतौर पर इन सब विधियों से ही मोस्ट ऑफ द स्टोन्स को हम टैकल कर सकते हैं सेफली। अब जो जरूरी बात है वो ये है कि हमेशा सिर्फ एक स्टोन नहीं बनता है, बहुत बार क्या होते हैं कुछ मरीजों में बहुत सारे स्टोन्स भी बनते हैं। तो स्टोन्स के अगर हमें देखना पड़ता है कि स्टोन्स कहाँ पर है, साइज क्या है स्टोन्स का, कोई किडनी में उसके वजह से कोई सूजन तो नहीं हो रहा है, और स्टोन की हार्डनेस चेक करनी होती है, वो है हम CT स्कैन करा के चेक करते हैं कि स्टोन की हार्डनेस कितनी है।
जो स्टोन की हार्डनेस कम होती है 1000 यूनिट से, उसको तो हम बाहर शॉक वेव से तोड़ सकते हैं अगर उसका साइज 5 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर के बीच हो तो। बट जो स्टोन्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं और फिर भी अगर वो साइज 5 मिलीमीटर टू 1 सेंटीमीटर हो तो भी हम फिर उनको लिथोट्रिप्सी नहीं देते हैं, उनको हम कोई और ऑप्शन समझाते हैं जैसे कि RIRS, बिकॉज ये स्टोन्स काफ़ी हार्ड होते हैं, ये साउंड वेव से नहीं टूटते हैं जल्दी से। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे नली के स्टोन्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, क्या साइज के होते हैं, उसमें क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, ये हमारी दोनों तरफ एक एक किडनियाँ होती हैं, राइट एंड लेफ्ट किडनी, और ये किडनी पेशाब हमारे छानने के काम में आती हैं, जो बॉडी से ब्लड आती है। ये पेशाब छलने के बाद इस नली के द्वारा हमारे थैली में आता है, इस नली को हम यूरेटर बोलते हैं। ये नली जहां किडनी से अटैच होती है उसको हम जंक्शन बोलते हैं, जिसको पीओ जंक्शन बोलते हैं, और ये नली ब्लैडर में जहां खुलता है उसको हम व्यू जंक्शन बोलते हैं। तो आमतौर पे स्टोन्स जो है इस नली में 3 जगह अटकती है, या तो वहां पर जहां पर कि वो किडनी जस्ट निकल रही हो, या तो बीच के हिस्से में जहां पर कि हमारे बड़े बड़े पेट के नसें जा रही होती है वहां पर अटक जाती है, नहीं तो ये जहां पेशाब की थैली में खुल रही होती है वहीं पर जाके अटक जाती है। तो आमतौर पर देखा गया कि जो भी यूरेट्रल स्टोन्स होते हैं इसी 3 जगह पर अटकते हैं। तो अब यूरेट्रल स्टोन के ट्रीटमेंट ऑप्शन जो होते हैं, आज के डेट में हमारे पास दूरबीन इतने अच्छे अच्छे अवेलेबल है, दूरबीन की विधि इतनी अच्छी अवेलेबल है, एंडोस्कोप्स अवेलेबल है कि हम मैक्सिमम स्टोन्स जो नली में पाई जाती है उसको हम दूरबीन द्वारा टैकल कर सकते हैं। तो आइए हम पहले बात करते हैं जो नीचे के स्टोन्स होते हैं, जो बिल्कुल नीचे वाले स्टोन होते हैं, जस्ट जहाँ पर थैली में वो खुलती है नली, उस स्टोन्स के लिए हम दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करते हैं, जिसमें कि पेशाब के रास्ते दूरबीन डालकर इसे हम लेजर से ब्रेक करते हैं और फिर एक स्टेंट डाल देते हैं। ये स्टेंट एक तरह का सेफ्टी वायर होता है जो कि किडनी से पेशाब की थैली में जा रहा होता है, और ये करीबन 1-2 हफ्ते तक हम अंदर ही छोड़ देते हैं। इससे फायदा ये होता है कि जो भी घाव वगैरह यहाँ बनता है पत्थर तोड़ते वक्त, या पत्थर ने जो भी खराबी की होती है अंदर के हिस्से में, वो सब इस दौरान भर जाता है, और फिर आपको आकर 1-2 हफ्ते बाद अपने डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में आकर ये निकलवा लेना होता है, जो कि एक डे केयर प्रोसीजर होता है। दूसरी स्टोन्स ऐसे होते हैं जो कि छोटे तो होते हैं बट यहाँ पर आकर अटक जाते हैं। जब तक किडनी में कोई सूजन नहीं है और स्टोन का साइज छोटा है, जैसे कि 5 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर, तब तक हम दवाइयों से काम कर सकते हैं। उसके लिए स्पेशल दवाइयाँ आती हैं जिससे कि हम पेशाब के रास्ते को थोड़ा चौड़ा होने में मदद करते हैं, जिससे कि पेशाब के ये जो स्टोन है वो आराम से निकल जाए। बट इसके चांसेस सिर्फ 60% होते हैं कि ये अपने आप निकल जाए, 40% केस में फिर भी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। बट जैसा मैंने कहा, स्टोन का साइज बहुत ज़रूरी है, छोटे स्टोन्स हो तो फिर भी हम एक बार को दवाइयों से ट्राई कर सकते हैं, और जब तक सूजन नहीं हो हम दवाइयों से ट्राई कर सकते हैं। पर एक बार अगर किडनी में सूजन रिपोर्ट में बता दी गई है, या साइज स्टोन का ज़्यादा हो, 5-6 मिलीमीटर ज़्यादा हो, तो बेहतर ये होता है कि दूरबीन से ही ऑपरेशन कराकर उससे मुक्ति ले लें। तो ये हो गया नीचे के हिस्से के स्टोन्स का उपाय। अब कुछ स्टोन्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे बीच के हिस्से में पाए जाते हैं, अटक जाते हैं, इनका भी ट्रीटमेंट जब तक ये छोटे हैं तो इनको दूरबीन से हम नीचे से ऑपरेशन करके लेजर से कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर भी हम नीचे से कर सकते हैं, पर अगर इससे बड़ा स्टोन होता है, 1.5-2 सेंटीमीटर से बड़ा स्टोन होता है और किडनी में काफ़ी सूजन हो रही होती हो, तो पहले हम कुछ टेस्ट करते हैं जानने के लिए कि किडनी काम करती भी है कि नहीं, बिकॉज इतने बड़े स्टोन क्या होता है आमतौर पर धीरे धीरे किडनी खराब कर देती है। तो पहले हम टेस्ट करके देखते हैं किडनी ठीक से आपकी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, अगर ठीक से काम कर रही हो तो फिर हम इस स्टोन के लिए ट्रीटमेंट पर आते हैं। तो अगर छोटे स्टोन्स हो तो इसको भी हम दूरबीन से हैंडल कर सकते हैं, अगर बड़े स्टोन हो तो इसे हम फिर दूरबीन द्वारा लैप्रोस्कोपी से या ओपन ऑपरेशन करके इसे निकालना पड़ता है और फिर एक स्टेंट डाल के छोड़ते हैं। तो ये तो हो गया बीच के हिस्से के स्टोन वर्क के ट्रीटमेंट। जो स्टोन बिल्कुल ऊपर के हिस्से में पाई जाती है उनका ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर स्टोन यहाँ पर है तो हमारे पास 2-3 ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि अगर साइज छोटा है, 1 सेंटीमीटर से नीचे है, तो हम नीचे से ही दूरबीन के द्वारा इसे तोड़कर निकाल सकते हैं, बट उसमें थोड़ा रिस्क ये होता है कुछ टुकड़े किडनी के अंदर भाग सकते हैं, तो हमें लचकीला वाला दूरबीन डालकर किडनी से निकालना पड़ सकता है, जिसके लिए कि हमें हो सकता है 1 हफ्ते और रुकना पड़े ऑपरेशन के बाद। कभी कभी स्टोन कम्प्लीटली नहीं निकल पाता है, जाम रहता, तो इसे हम धक्का देकर किडनी के अंदर भेज देते हैं और पीछे से पंचर करके फिर स्टोन को निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं पुश बैक PCNL।
तो इसमें से हम तो इस विधि में जाते तो नीचे से है, बट पत्थर को थोड़ा धक्का देकर किडनी के अंदर पहुंचा दिया जाता है और फिर किडनी से पीछे से पंक्चर करके स्टोन निकाल लिया जाता है। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है जो बड़े स्टोन होते हैं और जिसमें किडनी में सूजन हो गई होती हो। थर्ड मेथड जो होता है वो है RARS, जिसमें से कि नीचे से जाते हैं लचकीला दूरबीन लेकर और किडनी के अंदर चली भी गई तो भी हम उसी वक्त उसको लेजर से तोड़ करके निकाल देते हैं और फिर स्टेंट डाल देते हैं। तो ये शॉर्ट में ट्रीटमेंट है नली के स्टोन्स के ट्रीटमेंट का। अब हम देखते हैं कि पेशाब की थैली में जिन पेशेंट्स को स्टोन होते हैं उनके लिए क्या किया जाए। तो पेशाब की थैली में स्टोन अगर छोटे हैं तो वो तो खुद ब खुद निकल जाते हैं पेशाब के रास्ते, बट जो बड़े स्टोन होते हैं 2-3 सेंटीमीटर वाले, उनको हम पेशाब के रास्ते से ही एंडोस्कोपिक से तोड़कर निकाल आते हैं। अगर स्टोन बहुत बड़ा हो 4-5 सेंटीमीटर से ऊपर होता है तो नाभि से नीचे में एक छोटी से छेद करते हैं 5 मिलीमीटर की, उसके द्वारा हम एंडोस्कोपिक सर्जरी करके निकाल देते हैं। तो ये हमने देखा कि किडनी स्टोन हो चाहे नली के स्टोन्स हो चाहे पेशाब की थैली के स्टोन्स हो, आज के ज़माने में एंडोस्कोप इतने अच्छे अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हम मैक्सिमम ऑपरेशन एंडोस्कोपिकली यानी दूरबीन द्वारा बिना कोई चीरे के कर सकते हैं और सेफली कर सकते हैं। थैंक यू।